आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक, नई सुबह, नए मेहमान, नई सुबह और नए मेहमानों के साथ। जैसा कि आपको पता है, रोज़ाना हमारे पास जो मेहमान होते हैं उनका ताल्लुक किसी ना किसी दुनिया से होता है। सब जाहिर सी बात है, एक दुनिया से ताल्लुक तो सबका है, लेकिन कोई ऐप्स भी एक दुनिया बन चुकी हैं। जैसा कि बात करूँ टिकटॉक ऐप आजकल लोगों की लाइफ बन गई है। अगर वो अनइंस्टॉल कर दें या नहीं चले तो लोग पागल होने लग जाते हैं, उनको दौरे भी पड़ते हैं। तो खैर, ऐसी जिनका जो आज हमारे पास गेस्ट आए हैं उनका ताल्लुक जो है टिकटॉक की दुनिया से है, और मैं उनसे ये सवाल करूँगी। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन खास सवाल ये है, टिकटॉक की बीमारी कैसे लगी, किसने लगाई, टिकटॉक पे आने की रीजन क्या है, तो ये मैं इनसे जानूंगी। पहले तो वेलकम करती हूँ, तहे दिल से घोटकी से बिलोंग करते हैं, घोटकी से आए हैं, तो वेलकम करते हैं सुभान अली और अक्सा बलोच को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप दोनों ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मुझे ऐसा लग रहा है आप मिलाद में आई हैं। नहीं? अच्छा, नहीं, प्यारी लग रही हैं आप बहुत ज्यादा। आप मिलाद में आए हैं? नहीं नहीं। अच्छा सुभान, आपको ये टिकटॉक की बीमारी किसने लगाई? इसने। कहता है इसने लगाई, आपको किसने लगाई? बस लोगों को देख देख के हमारा भी दिल कर रहा था कि हम भी वीडियो बना के देखें। फॉर एग्जांपल अक्सा किंजर। अक्सा आपकी फेवरेट टिकटॉकर है? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छी बात है। आप बहुत बड़े फैन हो। थैंक यू सो मच। आप कहाँ से आए हैं? ये आपके लिए स्पेशली घोटकी से आए हैं। थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगता है जब कोई इतनी दूर से शो के लिए तशरीफ़ लेकर आता है। आपने अपना वक्त निकाला और आप इतनी दूर से ट्रैवल करके आए शो के लिए, थैंक यू सो मच। हाँ, एक नहीं दो बोले, दो नहीं दस बोले। एक बात कहूँगा आपको, अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत फेमस हो गई हैं, पर जो कुछ गरीब लोग हैं, मतलब जिनकी आईडी फेमस नहीं है, उनको रेस्पॉन्स दिया करें, सपोर्ट किया करें। सही बात है। अच्छा, मैंने आपको जब भी आप वीडियो पहली डालती हो, मैंने आपको 10 बार कमेंट किया है रोने वाला, शायद आपने नहीं देखा। मौजी होता है ना। हाँ, वही। तो क्यों रोने वाला कमेंट क्यों करते? मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपका बिग फैन हूँ, एक वीडियो मेरे लिए आप नहीं बनाती। आज तो आप सामने बैठे हैं, आप क्या? मैं आपके लिए ही आया हूँ यहाँ। तो बस आप सामने बैठे हैं, कमेंट की जरूरत है? नहीं, कमेंट की जरूरत नहीं है, पहले बनाती तो इतना नहीं आते ना। खैर हो गई, अभी आप सामने बैठे हैं, मिल रहे हैं, आप साथ आप वीडियो बना लीजिएगा। अगर मैंने अपने अकाउंट पे पोस्ट नहीं की, इतने सारे कमेंट्स होते हैं और काफी सारे लोग होते हैं। एक लड़के ने बनाई थी, वो भी हमारे सिटी का था, आपको कमेंट किया था कि आप पता नहीं कौन सी जगह पे गाड़ी ड्राइव कर रही थी। कौन सी जगह? उसने बताया था, फिर आपने उसका नाम लिया था कि जहांगीर भाई बोल रहा है कि आपने गाड़ी ड्राइव की है, पता नहीं गुलशन दे दिया कहीं भी। अच्छा। जी, आपने बोला मैं ड्राइव करती हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, ये वीडियो बनाई थी आपने? आपने मतलब मेरी पूरी बायोडाटा निकाली थी, मतलब मेरी फर्स्ट वीडियो से लेके एंड वीडियो तक आप मुझे बता रहे हैं कि फर्स्ट वीडियो मैंने ये पोस्ट की थी जी। और इसमें मैंने, हाँ मुझे बिल्कुल याद आ रहा है, एक वीडियो पे मैंने कहा था कि मैं ड्राइवर, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आपको कहीं ड्राइव पे देखा, आप कहीं ड्राइव करती है, तो मैंने कहा जी अदा मैं ड्राइवर हूँ, मैंने मशहरी में बोला था। वो वीडियो आपको याद है जी? तो थैंक यू सो मच, और सॉरी अगर मैं रिस्पॉन्स नहीं दे सकी। आज आप आगे शो पर, आपकी ख्वाहिश भी पूरी होगी, मुलाकात भी कर ली और मैं आपके साथ बैठी हुई थी आपके साथ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अक्सा क्या कहेंगी आप? जो आप पूछे। नहीं, ये इन्होंने जो बताया, इन्होंने इतनी सारी जर्नी देखी मेरी, ये बात तो इन्होंने सही की, आप रिस्पॉन्स नहीं दे। पिछले टाइम में जब शो में आई थी, आपने मुझे कहा था मैं इंस्टा पे आपको फॉलो बैक दूंगी, अब मैं दोबारा आई हूँ, अभी तक मेरे को फॉलो बैक नहीं मिला इंस्टा पे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं इतनी मसरूफ होती हूँ और आजकल तो मेरी तबीयत भी सही नहीं चल रही, मैं बड़ी मुश्किल से शो पे। देन मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि मेरी बर्थडे के लिए मुझे वीडियो बना दें। हैप्पी बर्थडे, पर भी आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू अक्सा। थैंक यू सो मच। खैर हो गई, बर्थडे आती रहेंगी, इंसान जिंदा है और जी रहा है तो बर्थडे तो हजार सेलिब्रेट करता है, ऐसा है कि नहीं है? हाँ, ये बात तो है। तो इंसान को जो अल्लाह आपको हयाती दे और लंबी जिंदगी दे, और मैं हुसैन के अलावा मौला कोई गम ना दे, आमीन। अच्छा मुझे आप बताएं, सुभान अली आपको घोटकी में, आप बता के शो पे आ रहे हैं? नहीं, किसी को नहीं बताया। आपने बताया अभी आते हुए? बताया नहीं, किसी को नहीं। जाके बताएंगे? हाँ। सरप्राइज। अच्छा, सरप्राइज देंगे जी। अच्छा, घोटकी वाले क्या कहते हैं आपको अगर जब पता चलेगा आप तारा रारा के शो पे गए? वो पूछेंगे किसके जरिए गए थे, यही पूछेंगे बस। जी। और कहाँ पे, कैसी थी, कैसी नहीं थी, क्या वो आपकी तरबियत के बारे में पूछेंगे, कैसे बात कैसे कर रही थी आप? अच्छा, मेरी तरबियत क्या बताएंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह सही थी। ये पक्की बात है, ये लाइव बोल के जा रही हूं, घोटकी से मुझे कॉल आ रही हो कि भाई सुभान अली ने आके बुरा जी। आपको मेरे शो पे आके कैसा लगा, मुझसे मिलके कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अक्सा आपको कैसा लगा? मुझे तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपके पास आना पसंद है। मैं शुक्रिया भी अदा करूंगी, अक्सा की मम्मा भी आई हुई है जो बैठी हुई है, उनकी फैमिली मुझसे मिलने के लिए आ जाइए देखने के लिए।
तो बहुत थैंक यू सो मच। आपके भाई भी आए हैं, चाचू आए हैं दूसरे? चाचू भी है, भाई भी है। भाई भी मतलब कंप्लीट फैमिली आशान सिठार लेकर आया है। आशान थैंक यू सो मच तुम लेकर आए। आशान के बारे में क्या कहोगे, कैसा लड़का है आशान? अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा। क्या बात है, आप क्या कहेंगे? बहुत सही है, मैं पहली बार मिला हूँ माशाल्लाह। सही कैसे कहते हैं, मैं पहली बार मिला हूँ? मतलब अच्छा नहीं है, पहली बार मिला है? नहीं, मैंने इसको देखा नहीं, अभी बात करने में सही है जी। इंसान मिलता है व्हाट्सएप पे या बातें करता है या कुछ टाइम साथ गुजारता है तो फिर पता चलता है बंदा कैसा है। तो आशान भी तो फेमस टिकटॉकर है। मैंने नहीं देखा कभी इसको। आशान तेरी मुंह पे बेइज्जती हो रही है, बोल रहा है सच्ची बात है, मैंने नहीं देखा कभी इसको। अच्छा है आशान, बुरा नहीं है, कभी भी इन्होंने नहीं देखा। मुझे तो देखा था ना जी, आपका तो फैन है, आपको कैसे नहीं देखा? हाँ ये तो है, लेकिन आशान मेरे से पहले टिकटॉक बनाता है, पता है आपको? अक्सर ऐसा ही है ना। I don't know. मैं टिकटॉक ऐप पे नहीं थी जब से आशान का अकाउंट है। लेकिन आशान आपसे ज्यादा वायरल करनी है। अक्सर बात ये है, लड़कियां बहुत आगे जाती हैं टिकटॉक पे, लड़कों को सपोर्ट नहीं मिलता। लड़कियां की क्या रीजन है? पता नहीं, वो लड़कों को पता है। लड़कों को पता है, लड़कियों को पता है? लड़कों को पता है। लड़कों को पता है, लड़कियों को क्यों नहीं पता? उनको नहीं पता, उनको नहीं पता। अच्छा अक्सर मुझे ये बताओ, खाने में फेवरेट डिश कौन सी है आपकी? बिरयानी। आपकी? मेरी कोई भी हो चल जाएगी, जो मिल जाए खा लूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। किसी चीज की मना नहीं है, अल्लाह ने रिज़्क़ दिया हुआ है, क्यों मना करें? यार बात तो हकीकत की है कि जब अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है तो बंदा क्यों किसी चीज को मना करे, कोई भी मिल जाए खा लेते हैं। बिस्मिल्लाह करके। फ्यूचर मुस्तकबिल में आगे क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं बस। यार इसके जवाब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करना है। शादी करनी है ना, बताएं ना। शादी तो हर बंदा करता है क्योंकि मुस्तकबिल जो दूसरा होता है ड्यूटी वगैरह का, आजकल ड्यूटी किसी को मिल नहीं रही। नौकरी करनी है? नौकरी नहीं करनी, नौकरी भी नहीं करनी। क्या सऊदी जाना है आपने फिर से? सऊदी फिर से जाना, सोना है सऊदी? दो सऊदिया जाना है। सऊदिया में जाके क्या करोगे? उधर काम करते हैं। उधर नौकरी करोगे जी? पाकिस्तान में नहीं करनी? नहीं, पाकिस्तान नहीं पसंद? नहीं पसंद, दो बार मैं गया हुआ हूँ सऊदी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी दोबारा भी जाऊँगा। अच्छा उमरा किया है माशाल्लाह से जी। अम्मी अब्बू अभी तक सऊदी में ही हैं। आपकी फैमिली सऊदीया में है, तभी आपको पाकिस्तान में मतलब मजा नहीं आता ना, आपकी फैमिली वहाँ पर है जी। तो इंशाल्लाह आप जल्दी जाओगे वहाँ पर इंशाल्लाह। अम्मी स्टडी करते हो, पढ़ाई कर ली आपने? नहीं छोड़ दी। कितनी पढ़ाई की थी? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर जी। पढ़ाई का शौक नहीं था? था पर अभी नहीं है, क्योंकि पता चला किसी को ड्यूटी नहीं मिल रही तो फिर क्या होगा। बगैर पढ़ाई किए हमें जॉब मिल रही है? जो हमारे गांव के हैं उन्होंने ला किया हुआ है, हर चीज की है, वो अभी भी ऐसे ही बैठे हैं। किसी ने परचून का दुकान खोला हुआ है, किसी ने कुछ। इसने सुभान अली ने देखा कि हमारे गांव के लड़के हैं, एक किसी ने ला किया हुआ है, कोई डॉक्टर है कोई क्या है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, तो सुभान अली की जहानत देखो, फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया कि मैं भी नहीं पढ़ूंगा, उनको नौकरी नहीं मिल रही तो मुझे भी नहीं मिलेगी जी। क्या बात। अक्सर चाचू आपके माशाल्लाह, आप पढ़ रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या स्टडी कर रही हैं? इंटर कंप्लीट किया, यूनिवर्सिटी की तैयारी। यूनी की तैयारी? लॉ की टेस्ट। कब है? दूंगी, कराची यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म फिल करवाऊंगी, इस मंथ के एंड में आएगा, 20 कल आएगा। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। क्या कहेंगी शो के बारे में? आपका शो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है और हिट भी जा रहे हैं। हिट जा रहे, बट आप शायद कम आती हैं शो में, मुझे लगता है। ये दोनों सच्चे बंदे आज मेरे शो पे बिठा दिए, जो इधर से भी सच बोल रहे हैं उधर से भी सच बोल रहे हैं। सच बोलना चाहिए ना। नहीं मैं आ रही हूँ शो पर, लेकिन असल में हमारे एडिटर का थोड़ा इशू आया हुआ था। एडिटर जो है वो कोई बीमार था तो मेरे शोज अपलोड नहीं हो रहे थे, और इसी वजह से मैं कर भी नहीं, थोड़ी मेरी तबीयत भी सही नहीं थी। मुझे भी सच बोलना चाहिए ना, आप लोग सच बोल रहे हो तो मैं क्यों झूठ बोलूं। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह पाक आपकी सेहत दे। अच्छा सुभान अली मुझे आप ये बताएं कि आपको लड़कों में फेवरेट टिकटॉकर कौन सा लगता है? शान शर साहब, लड़कों में शान शर। आपके गांव उबाड़ो का है शान शर? जी उबाड़ो का है। उनकी कोई पोइट्री याद है? नहीं। आपका फेवरेट है तो आपको पोइट्री कैसे नहीं याद उनकी? नहीं याद। मिले हैं कभी? हाँ। कैसा नेचर का है शान शर? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जी शान शर हमारे बहुत प्यारे सिंध के पोइट है, शायरी करते हैं और दर्द है उनकी आवाज में, ऐसा ही है जी। तारीफ कर रही हूँ, हाँ तो बोले। हाँ जी सही है, सही बोल रही हूँ ना। हाँ। तो बहुत अच्छे पोइट है, मेरी उनको भी दावत है तहे दिल से कि वो मेरे शो पर आए और शो अटेंड करें। अक्सा अक्सा से मिली हो? अक्सा नहीं, अक्सा किंजर से नहीं मिली। अक्सा किंजर से मिलना चाहोगी? इंशाल्लाह जब नसीब में होगा, लेकिन शौक ये है कि जल्दी मिले। तो केटीएन के घर का बच्चा है, आशान क्यों नहीं? आशान को मैंने बहुत बार बोला है, वो मेरे को जो है ना बोलता है कि फॉलोवर्स बढ़ाओ केज में, कह रहा है अभी और आगे जाओ। आशान कह रहा होगा ना मिलियंस में लेके जाओ।
अच्छा सुभान, क्या मैसेज दोगे मेरे शो पर घुटकी वालों को, अपने गांव वालों को, देखने वालों को? किस बारे में? शो के बारे में, क्या आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है, जो भी आपको पसंद करता है यानी कि लाइक करता है, फॉलो जो बेक करता है, वो यहाँ पे आए और आपका शो देखें, लाइव में आए जी। बस कंफ्यूज है थोड़ा। हाँ, उस बेचारे के हाथ पांव काम पे रहे हैं, खैर हो गई, होता है, फर्स्ट टाइम आए ना इसमें। आप क्या कहेंगी? नहीं, आपका शो बहुत अच्छा है, अल्लाह करेगा और भी हिट जाएगा। आमीन आमीन। तो गाइज, ये थे हमारे आज के गेस्ट, घुटकी से बिलोंग करते हैं, घुटकी से आए हैं। थैंक यू सो मच घुटकी वालों का, घुटकी वालों को तारा लारा का बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सलाम, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। घुटकी मेरा बहुत प्यारा गांव है और ज़िला मेरा घुटकी है, तो जाहिर सी बात है जब भी मैं अपने गांव जाती हूँ मुझे खुशी होती है। तो वैसे भी घुटकी वाले मुझे मैसेजेस रेड आउट करती रहती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मसरूफियात की वजह से रिप्लाई नहीं दे सकती, तो घुटकी वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे मेरे घुटकी उबाड़ो और पूरे सिंध से बहुत प्यार है। अरे अब तो सिंधी कल्चर डे भी आने वाला है, तो भाई तैयारी करो कल्चर डे की, डेली निकलने वाली है और जल्दी जल्दी जाएं, टोपी पटके अजरक सूट और बलोची, और जो औरतें हैं बलोची ड्रेसेस और सिंधी हाथ काम की चीजें सिलवाएं, और जो है आपको भी वेट होगा, तैयारी कर ली? इंशाल्लाह मैं आऊंगी अक्सा की रैली में, बहुत शौक है। आपने तैयारी कर ली जी? क्या पहन, किस दफा क्या पहन रही हैं कल्चर डे पर? व्हाइट सलवार कमीज। व्हाइट सलवार कमीज, आप क्या पहन रहे? मैं भी व्हाइट सलवार कमीज। व्हाइट सलवार कमीज साथ अजरक जी, अजरक टोपी। अजरक टोपी जी, वो कौन सा, खैर वो शायरी में भूल गई, अब मैं जो है आपको नेक्स्ट शो में सुनाऊंगी जब थोड़ा कल्चर डे हमारा नज़दीक आएगा। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, नए टैलेंट के साथ, आपके अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।